सब आज हम जा रहे हैं पुजेब लेने सुनार की दुकान पे, तो चलिए चलते हैं साथ में ही दीदी। चलिए चलते हैं, ये मार्केट है। सफ़र यहाँ पे एक ज्वेलर्स के पास आए हैं, जो जहाँ से कि मेरी सासू माँ लेती हैं अपने जो भी हमारे घर के गहने वगैरह, सादे टाइम पे भी लिए थे तो यहीं से लेती थी ज़्यादातर। तो यहाँ पे हम लेने आए थे आज पौजेब, तो मैं आपको अलग अलग तरह की पौजेब आज दिखाने वाली हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी एंड कौन सी पौजेब मेरे फीट पर अच्छी लग रही थी। तो थोड़ी हैवी वाली पायल तो बहुत सारी हैं जो नॉर्मल होती हैं, एंड पतली थोड़ी सी मोटी ऐसी तो बहुत है, लेकिन थोड़ी सी ना पौजेब टाइप में, तो हैवी सी पायल नहीं थी हमारे पास, पौजेब नहीं थी जिसे पौजेब बोलते हैं, जो कि दुल्हन वगैरह वेयर करती हैं या फिर जो न्यू मैरिड होती हैं वेयर करती हैं। तो हमें यहाँ पे शादी में जाना था, तो मम्मी जी कहते थे हमारे पास पौजेब नहीं है, तो चलिए ले लेते हैं, उसके बाद शादी में चलेंगे। तो इसके बाद आपको ब्लॉग आएगा शादी वाला, भी जल्दी शेयर करूँगी एंड उसमें वेयर करके दिखाऊँगी आपको मैं अपने न्यू हील के साथ पौजेब, तो बहुत अच्छा लुक आएगा। तो यहाँ पे काफ़ी रश था, यहाँ पे हम आ चुके हैं शॉप के पास, तो यहाँ बहुत लोग बैठे थे, वैसे ये लोग चले जाएंगे, बस ये देखो सीट खाली हो गई, तो हम जा रहे हैं बैठने एंड यहाँ पे दिखाती हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे ये है मेरी कमरबंद, जो मम्मी कुछ टाइम पहले लेके गई थी मेरे लिए, अभी कुछ मतलब हफ्ता पहले लेके गई थी मेरे लिए, मेरा मेरे एनिवर्सरी पे मम्मी जी ने मुझे गिफ्ट किया था ये कमरबंद, तो इसे थोड़ा एडजस्ट करना था, तो उसके लिए लेकर आई थी। और इसके बाद हम देखें अपने पौजे वगैरह, तो हम बातें वगैरह कर रहे हैं, तो मैं और दीदी आए थे। सोनी यहाँ पे दिखाना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाली ना जो है एंकलेट, मतलब ये जो ना तो नज़र बंद के लिए भी होती है, तो वो देखी मैंने एंड ये रही मेरी, ये सारी पौजेब है, इनमें देखिए आप लोग भी पसंद कीजिए। चलिए ओरिजिनल साउंड में देखते हैं, दुकान में मेंशन कर देना, चलो मैं दुकान में मेंशन कर देना, दिखाएंगे तो वीडियो बनाती है ना भैया। हाँ बता दी तूने, मैं भी बनाता हूँ, लेकिन मैंने भी यूट्यूब पे स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, मैं भी इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। हाँ जी हाँ जी, अब यूट्यूब पे भी डाल सकते हो, डिजाइन के साथ में प्राइज भी, तो प्राइज बहुत चलती है वीडियो, मैंने देखा है YouTube पे? हाँ यूट्यूब पे नए नए डिजाइन आए, प्राइज के साथ में बता दो ग्राम से बताओ, हाँ कितने ग्राम की है सारा, थोड़ा फनी में बताओगे तो ज़्यादा फेमस होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत चलती है। ऐसे खड़ी नहीं कर सकते, लो अब दीदी क्या देखने, क्या देखने,
पार्लर में थ्रेडिंग करवाने, थ्रेडिंग करके फिर हम चलते हैं घर पे। ओके सब पजेब वगैरह देखी बहुत सारी, उसमें से एक पसंद की है जो कि लास्ट में दिखाई मैंने आपको, घर पे जा चल के मैं दिखाती हूँ आपको पता लग जाएगा प्रॉपर कि कौन सी कह रही हूँ। तो उसमें से एक ले ली मैंने, पसंद कर ली। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं वो कलर, एंड जिस टाइप में लिया मैंने वो अच्छा लगा कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा, बताइएगा कि ये वाली जो चांदी होती है अच्छी होती है कि नहीं। तो यहाँ पे उसके बाद हम घर पे जा रहे थे, घर के पास ही में ये पार्लर था, तो वहाँ पे अपनी थ्रेडिंग करवाई, बहुत टाइम बाद थ्रेडिंग करवाई मैंने, जा नहीं पाती मैं बाहर इसलिए। तो देखिए कितनी अच्छी मेरी थ्रेडिंग हुई है, क्योंकि ग्रोथ मेरी में बहुत ज़्यादा हैवी आती है मेरी थ्रेडिंग की, तो बहुत अच्छी बनती है। मैं मोटी मोटी ही बनवाती हूँ, एंड मैंने अपना माथा भी करवाया था, फोरहेड एंड अपना थ्रेडिंग करवाई थी। अपर लिप्स नहीं करवाती मैं घर पे ही करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है थ्रेडिंग से, मैं थ्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पेन होता है अपर लिप्स। तो यहाँ मेरी थ्रेडिंग होने के बाद दीदी अपनी करवा रही है, दीदी को तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो तो सिर्फ थ्रेडिंग के अलावा कुछ भी नहीं करवाती हैं, लिप्स वगैरह वो कुछ नहीं करवाती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा आँच वगैरह आ जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है उनकी, थोड़ी स्किन इसी टाइप की है, मतलब सेंसिटिव स्किन है इसलिए। तो उन्होंने बस थ्रेडिंग बहुत मुश्किल से करवाई थी, एंड इसके बाद हम चलेंगे घर पे। घर पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, मैं मिरर में आपको दिखा रही हूँ। तो ये भी पार्लर जो है मैं घर के पास ही, वो न्यू सा ओपन हुआ है, एंड ये बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने थ्रेडिंग को किया, पूछ करके कि कहीं कमी वगैरह तो नहीं है, बाल वगैरह तो नहीं, बहुत अच्छे से पूछ के बाद अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रीट किया हमें, और मैं यहीं पर आना पसंद करूँगी। पहले एक और था, थोड़ा दूर था वो घर के पास, तो वहाँ पे जाना पसंद करती थी, लेकिन अभी घर के पास में ओपन हो गया, तो घर पे आ चुकी हूँ मैं। तो ये बैग दिया है हमें, क्योंकि थोड़ा बड़े बड़े सामान था ना, ऐसे बैग तो देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने कितना सारा शॉपिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे दीदी ने लिया अपने लिए, अपने बालों के लिए हेयर कलर, उनके बाल जो है थोड़े वाइट हो रहे हैं, इसलिए उनके घर पर ना खारा पानी आता है, इसलिए थोड़ा सा वाइट हो रहे हैं। एंड इसके बाद ऑयल लिया था मैंने एक, उसके मैंने मुझे यूज़ करना है फुल बॉटल। तो इस बाद मैं ओपन कर दिखाती हूँ कि बैग में क्या कुछ है। तो ये है मेरी कमरबंद, ये तो अपने लोगों ने कहीं ना कहीं देखी होगी ज़रूर से, एंड ये रही हमारी पोजेब। तो जो मैं पजामे लेने गई थी वो मुझे नहीं मिली, मैं सही बताऊँ तो, जो कि ऐसी पजामे मुझे पसंद थी जो कि ओल्ड, मतलब पहले के ज़माने में लेडीज़ पहनती थी, या फिर जो न्यू मैरिड थी वो पहनती थी, मतलब चांदी की होती थी बिल्कुल प्योर वाइट जैसी कमरबंद ऐसी, एंड पूरे घुंघरू से भरी होती थी, मतलब चौरस सी जो ना थोड़ी चौड़ी सी होती है, जिसमें घुंघरू होते हैं, है ना, उस टाइप की मुझे पसंद थी, लेकिन वो उनके पास नहीं थी, वो मंगवा देते, लेकिन ये दिखा दी हमें तो ये पसंद आ गई मुझे एक बार में, तो मैंने ले ली, और थोड़ा लेटेस्ट टाइप का लग रहा था इसलिए। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी, मैंने सही किया वाला लेकर के कि नहीं, या फिर कोई और पायर अच्छी लगी आप लोगों को, जहाँ जो कि मैंने देखी वहाँ पे पैर के साथ में मैंने लगा कर दिखाया भी था, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये वाला हमने काला वाला भी लिया। सब हम घर पर आ चुके हैं, एंड कैसी लगी मेरी शॉपिंग, आई होप अच्छी लगी होगी। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करिएगा कि ब्लॉग आप लोग कैसा लगा। इस टाइप का ब्लॉग देखने है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा मेरी इस वीडियो को। एंड मेरी पजेब कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, एंड मैंने ये कलर चूज़ किया तो आप लोग बताइएगा ठीक है कि नहीं, एंड एक तो कलर होता है सिल्वर, एंड ये ब्लैक वाला सिल्वर है, तो आप लोग बताइएगा कि जो सिल्वर होता है सिंपल वो अच्छा होता है या ये वाला, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मेरे पजेब कैसी है। एंड चलिए इस व्लॉग कहीं पे ख़त्म करते हैं, जब मैं वियर करूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसी लगती है मेरे पैरों में। चलिए इस व्लॉग कहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाय।